सो हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आज में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस वेडनेसडे के लिए किस तरह से होगा वो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। बैंक निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग है वो 42 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई बनाने के बाद में फिर से एक डाउन साइड मोमेंटम दिया है। जो मॉर्निंग की 15 मिनट की जो कैंडल थी ये वाली, उसका जो लो था उसके आसपास आने के बाद में मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया। तो अभी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंट वाला, वो कौन सी लेवल का है? तो 42,619 से लेके 42,577 की जो लेवल है वो एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करेगी। हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है? 42,864 से लेके 42,827 की जो लेवल है वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, तो और एक हमारा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो टोटली एक रेंज है, 42,472 से लेके 42,385 की जो लेवल है उसके बीच में कहीं पे भी मार्केट मिला और यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल मिली तो वो चांसेस ज़्यादा है कि वो बुलिश साइड में मूव कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे ये ब्रेकआउट आने के बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिया था, तो इसलिए यहाँ पे एक चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे डिप बना तो एक मार्केट में बाइंग आ सकती है फिर से। ओके, तो ये लेवल्स को हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे ये आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो मार्केट समझो कल के ट्रेडिंग सेशन में साइडवेज खुलता है, 42,800 से लेके 42,600 की जो रेंज है उसके बीच में कहीं पे खुलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी वोरेशियस ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपसाइड में रेजिस्टेंस है, डाउन साइड में एक सपोर्ट है, और दोनों भी एक स्ट्रॉन्ग वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पेशेंसली वेट करेंगे, मार्केट को अच्छा खासा रेंज बना देंगे। एक वक्त बिताएगा मार्केट 15-20 मिनट यहाँ पे होल्ड करता है और अपसाइड में निकलता है, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 43,000 के लेवल तक का हमको टारगेट देखने मिलेगा। ओके, यहाँ पे मार्केट होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में डाउन साइड में अगर निकलता है तो हम लोग का टारगेट कहाँ तक का ले सकते हैं? तो 42,472 की जो लेवल है वहाँ से लेके 42,385 की जो लेवल है उसके बीच में कहीं पे भी आपको टारगेट मिल सकता है। ओके, डाउन साइड में अगर निकलता है तो। ओके, तो अभी आप पूछोगे तो मार्केट अपसाइड में खुला तो क्या करेंगे? तो समझो मार्केट 43,000 के लेवल पे गैप अप ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी बेरिश कैंडल मिली तो हम लोग वो बेरिश कैंडल ट्रेड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस इसमें जाके देखोगे तो वहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने मिला था 43,000 के लेवल पर, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने का वापस से चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ पर जिसने आज होल्ड किया रहेगा सी वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो इसलिए 43,000 की यहाँ पे कहीं पे खुलता है मार्केट अपसाइड में तो हम लोग यहाँ पे बेरिश कैंडल या नेगेटिव साइड में पी की साइड में हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट 42,472 से लेके 42,385 की जो लेवल है उसके बीच में कहीं पे मिलता है, या 42,400 से लेके 42,300 की जो लेवल है उसके बीच में कहीं पे मिलता है, तो ये रेंज में कहीं पर भी मार्केट मिला तो हम लोग यहाँ पर बुलिश कैंडल ट्रेड करेंगे। क्योंकि ये जो लेवल है वो एक अच्छा खासा बाइंग साइड में देखा ही दिया था हमको प्रीवियस इसमें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल मिली तो हम लोग वो बुलिश कैंडल ट्रेड करेंगे, या फिर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता है और रेंज का ब्रेकआउट समझो डाउन साइड में देता है। तो यहाँ पे इसे डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट आता है तो हम लोग यहाँ पे 42,193 की जो लेवल है उसके आसपास का एक टारगेट देखने मिल सकता है हमको। ओके, सिमिलर यहाँ पे अगर अपसाइड में मिलता है मार्केट और रेंज बनाने के बाद में अपसाइड में जाता है तो हम लोग 43,100 की जो लेवल है वहाँ तक का एक टारगेट ले सकते हैं। तो अभी देखते हैं मार्केट कौन सी लेवल पे खुलता है और वो हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।